गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास। पिछली क्लास में हमने इंग्लिश का चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था एन आंट एन ग्रास होपर, यानी एक चींटी और एक टिड्डी। तो ये एक स्टोरी है जिसमें आंट तो खूब मेहनत करती है, अपना घर बनाती है सर्दियों के लिए, और जो ग्रास होपर होता है वो आलसी होता है, वो उसका हमेशा मजाक उड़ाता है कि तुम क्यों मेहनत कर रही हो। तो ये कहानी हमने स्टार्ट की थी और स्टार्ट करके हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ही गॉट हंग्री एंड स्टार्टेड शिवरिंग, यानी वो भूखा था और ठंड से भी कांप रहा था क्योंकि सर्दी आ गई थी और उसके पास रहने के लिए न तो घर था और न ही भोजन था। उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। The entire meadows were now changed into snow, यानी जो उसका घास का मैदान था अब वो स्नो में चेंज हो गया था, यानी उस पर बर्फ जम गई थी और वो ठंड से कांप रहा था। Oh my God, what shall I do? Where shall I go? और वो जोर से चिल्लाने लगा, भगवान को याद करने लगा कि अब मैं क्या करूं और मैं अब कहाँ जाऊं? Cried the grasshopper, ऐसे उसने चिल्लाते हुए बोला। Then he remembered the ant and decided to go to her. तब उसे एकदम से चींटी याद आई, उसने चींटी को याद किया और फिर वो उसके पास जाने का उसने निश्चय किया, उसने सोचा कि उसके पास अब चलते हैं। He went to the aunt's house and knocked at the door. वह चींटी के घर गया और उसने दरवाजा खटखटाया। Dear friend, hello. I have come to sing for you. Why don't you invite me inside and offer me food and a place beside the fire? यानी वहाँ जाकर उसने गेट खटखटाया और अंदर जाकर, अंदर तो नहीं गया था, गेट के पास ही खड़ा होकर बोला कि डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, देखो मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ और तुम मुझे गाना गाने की, मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता हूँ, तो तुम क्यों नहीं मुझे इनवाइट करती हो, मतलब तुम क्यों नहीं मुझे बुला रही हो, तुम मुझे अंदर बुला लो, मैं तुम्हें एक सॉन्ग भी सुनाऊंगा और तुम मुझे खाने के लिए बोलना और एक जगह भी मुझे अंदर दे देना जहाँ पर आग जल रही हो, साइड में कहीं पे भी, जहाँ उसने चींटी ने फायर, बिसाइड द फायर यानी आग के पास जगह है वो, तो मैं वहाँ रह जाऊँगा। द आंट स्माइल्ड एंड सैड, I worked hard all summer long while you made fun of me and sang and danced. तो फिर चींटी मुस्कुराई और उसने कहा कि मैंने पूरी गर्मी में बहुत मेहनत करी थी, कड़ी मेहनत करी थी, और उस समय तुम मेरा मजाक बना रहे थे, तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे और गाना गा रहे थे और डांस भी कर रहे थे। You should have thought of these cold winter months at that time. I have no place for you in my house and no food for you. तो चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया था उस समय और तुमने सर्दियों के बारे में सोचा भी नहीं कि सर्दियों के मंथ्स होते हैं, इसमें बहुत सर्दी होती है, खाने के लिए भी नहीं मिलता, रहने के लिए भी हम रह नहीं सकते, तो इस वजह से अब मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई न तो जगह है और न ही कोई भोजन तुम्हारे लिए मैंने रखा है। Saying this, the aunt closed the door, leaving the grasshopper outside in the cold. ऐसा कहकर चींटी ने दरवाजा बंद कर लिया और ग्रास ऊपर को बाहर ठंड में ही खड़ा
छोड़ दिया और गेट बंद कर दिया। द ग्रास हॉपर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक बट नथिंग कुड बी डन देम सो ही लेफ्ट क्राइंग। यानी अब ग्रास हॉपर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो उसने उस गलती को मान लिया था कि हाँ मुझसे गलती होगी, लेकिन अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था, तो उसने रोना छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए होंगे अपनी कॉपी में, टिक द करेक्ट वाले भी आपको कॉपी में करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी पिछली क्लास में मैंने दिए थे तो वो आपने कर लिए होंगे। अब है आज फोर्थ नंबर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, व्हाट डिड ही से टू आंट टू गो इनसाइड द हाउस। यानी ग्रास ओपर ने चींटी से क्या कहा। तो उसने कहा, डियर फ्रेंड आई हैव कम टू सिंग फॉर यू, व्हाई डोंट यू इनवाइट मी इनसाइड एंड ऑफर मी फूड एंड ए प्लेस बिसाइड द फायर। यानी उसने कहा कि तुम मुझे अंदर बुला लो, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा और तुम मुझे भोजन देना और तुम्हारे घर में रहने की जगह देना। तो इसका आंसर ये होगा। सेकंड का आंसर है, डिड आंट लेट हिम इन वाई। यानी क्या चींटी ने उसे अंदर लिया और क्यों। तो नहीं, चींटी ने उसे अंदर नहीं बुलाया था, उसने तो गेट बंद कर लिया था। नो, बिकॉज ग्रास ऑपर यूज टू सी हर वर्किंग वेरी हार्ड एंड लाफ। यानी उसको हार्ड वर्क करते हुए देखता था और उसके ऊपर हंसता था, उसका मजाक उड़ाता था, इसलिए उसने उसको अंदर नहीं बुलाया। व्हाट डिड द आंट डू ऑल डे लॉन्ग ड्यूरिंग समर। यानी पूरी गर्मी चींटी क्या करती थी, तो वो हार्ड वर्क करती थी। तो द आंट वर्कड वेरी हार्ड गैदरिंग ग्रेन्स ऑफ राइस एंड वीट एंड स्टॉकिंग देम विद ग्रेट केयर। यानी उसको इकट्ठा करती थी अनाज को। व्हाट डिड ग्रास ओपर थिंक अबाउट द हार्ड वर्किंग आंट। इसका आंसर होगा, वाई सी वर्किंग दीज ब्यूटिफुल डेज इन वर्किंग हार्ड। यानी वो इन वेस्टिंग वाई सी वेस्टिंग दीज ब्यूटिफुल डेज इन वर्किंग हार्ड। यानी वो इतने खूबसूरत दिनों को इतना वर्क हार्ड करके क्यों वेस्ट कर रही है, मतलब ये दिन क्यों अपने खराब कर रही है। तो ये भी आपको कॉपी में करने हैं, ये चारों क्वेश्चन आंसर। अब वोकेबुलरी स्किल, वन वर्ड में आंसर देना इनका। अ प्लेस वेयर वर्शिप इन डन इज डन। यानी हम वो कौन सी जगह है जहाँ हम पूजा करने जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो है टेम्पल। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, तो जू। अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स स्टडी, क्लास में और स्कूल, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसके। अ प्लेस वेयर फ्लावर्स एंड ट्रीज आर ग्रोन, तो इसका आंसर होगा गार्डन। ये भी आपको अपनी बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, और आप अपना वर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।